तिरंगा मैं हुई राजधानी दिल्ली। जी हाँ, रविवार को दिल्ली के रोहिणी इलाके में स्वतंत्रता दिवस और भारतीय सेना के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विशाल तिरंगा रैली का आयोजन किया। तिरंगे यात्रा का संदेश सेना का सम्मान और चाइनीज सामान का बहिष्कार करना था। राजधानी दिल्ली का रोहिणी इलाका रविवार को तिरंगामय दिखाई दिया। बाइक पर सवार युवाओं ने हाथों में तिरंगा झंडा लेकर विशाल तिरंगा रैली निकाली। रैली का नेतृत्व बाहरी जिले के युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष राजपाल शौकीन ने किया। तिरंगा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। युवाओं में भारतीय सेना और तिरंगे के सम्मान के लिए जोश उमड़ता दिखा। प्रथम इस यात्रा का उद्देश्य है, हम देश में 71वीं स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, सभी देशवासियों को इसकी शुभकामनाएं देनी है। उसके पश्चात हम भारतीय सेना के समर्थन में तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, जो देश पर की सीमाओं पर खड़ी है, चाइना से हो या पाकिस्तान से हो, हमारी सुरक्षा के लिए दिन रात लड़ती रहती है, उनके समर्थन के लिए निकाली। उसके पश्चात ये तिरंगा यात्रा चीन द्वारा निर्मित सामान का बहिष्कार करने के लिए निकाली गई है। हम 60 सालों से जो देश लुट रहा था, केंद्र में सरकार 60 सालों से चल रही थी, देश दिन प्रतिदिन नीचे की तरफ गिर रहा था। भारत में नई सरकार आई, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक भ्रष्टाचार मुक्त शासन नरेंद्र मोदी जी ने दिया, हम उनके समर्थन में ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। नेतृत्व करते हुए राजपाल शौकीन और कार्यकर्ताओं ने लोगों से चाइनीज सामान का बहिष्कार करने की अपील की। साथ ही भारतीय सेना को रैली के माध्यम से बताया कि देश का हर युवा सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और भारतीय सेना का सम्मान करता है। सभी तरह की जानकारियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें सीधी नजर टीवी।